की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ सी बक्थर फेशियल ऑयल का डिटेल रिव्यू एंड मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्या ये फेशियल ऑयल अनइवन स्किन टोन के लिए वर्क करता है या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति, वेलकम टू स्मार्ट प्रोडक्ट। आज का हमारा प्रोडक्ट है गुड वाइब सी बक्थर स्किन रिन्यू फेशियल ऑयल। इस फेशियल ऑयल का मैं डिटेल रिव्यू करूंगी, प्लीज वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो पूरा देखिएगा। इस फेशियल ऑयल की आउटर पैकेजिंग कार्डबोर्ड की है और इस पर एवरीथिंग डिटेल में मेंशन किया गया है। इसके अंदर क्यूट सी डार्क ब्लू कलर की एक ग्लास की बोतल मिल जाती है और इसके साथ ड्रॉपर आता है। ड्रॉपर इस फेशियल ऑयल को और भी हाइजीनिक बना देता है। इसकी सील पैकेजिंग होती है, मुझे इसकी काफी अच्छी क्वालिटी की पैकेजिंग लगी, पैकेजिंग वाइज मुझे गुड लगा। ये पैराबिन एंड क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है और ये एनिमल पर टेस्ट किया गया प्रोडक्ट नहीं है। इस फेशियल ऑयल को यूज कैसे करना है वो देख लेते हैं। पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए फेस वॉश से, उसके बाद पैक ड्राई कर लीजिए। ड्रॉपर की हेल्प से 2-3 ड्रॉप आप फेशियल ऑयल ले लीजिए, हल्का सा अपने हाथों में रब कीजिए, अपने फेस में डैप डैप करके अंदर की तरफ पुश करके अप्लाई कीजिए। इस तरह इस फेशियल ऑयल को यूज करना है। मैंने एक फेशियल ऑयल के ऊपर डिटेल रिव्यू किया है, उसमें मैंने शेयर किया है कौन सा स्किन टाइप के लिए कौन सा फेशियल ऑयल बेस्ट है और फेशियल ऑयल लगाने के सही तरीका क्या है, मैंने उस वीडियो में एवरीथिंग बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इस फेशियल ऑयल के हम इंग्रेडिएंट्स की अब हम बात कर लेते हैं। इसमें सी बकथर्न ऑयल है, हेजलनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है एंड परफ्यूम है। ये इस प्रोडक्ट के की इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब हम इस प्रोडक्ट की प्राइस की बात कर लेते हैं। इस प्रोडक्ट का प्राइस है ₹225 एंड क्वांटिटी मिलती है आपको 10 ml। ऑफर में आपको ये प्रोडक्ट 200-190 तक मिल जाएगा। सी बकथर्न के बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। सी बकथर्न में आंवले से 80% ज्यादा इसमें विटामिन सी पाया जाता है। सी बकथर्न में भरपूर मात्रा विटामिन मिनरल्स न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। हमारी हेल्थ हमारी स्किन के लिए सी बकथर्न बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अब हम सी बकथर्न फेशियल ऑयल के बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। इसमें पावरफुल एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। सूथ करता है सनबर्न को, काम करता है इरिटेटेड स्किन को, रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को, रिपेयर करता है डैमेज स्किन को। बकथर्न नॉरिश करता है ड्राई स्किन को, बैलेंस करता है ऑयली स्किन को, प्रिजर्व करता है यूथफुल स्किन टेक्सचर को। ये मैंने कुछ सी बकथर्न के बेनिफिट्स आपको बताए। सी बकथर्न फेशियल ऑयल को जब मैंने परचेज किया था बिल्कुल श्योर नहीं थी कि मेरी स्किन के लिए वर्क करेगा या नहीं करेगा। मैंने अभी तक बहुत सारे मैंने फेशियल ऑयल यूज किए हैं जिसमें से मेरा कोकोनट ऑयल सबसे मोस्ट फेवरेट रहा है। मेरी स्किन को बहुत अच्छे से सूट करता है, मेरी स्किन को हील करता है, नॉरिश करता है और विंटर सीजन में मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। ऐसे मेरी स्किन ड्राई नॉर्मल है पर विंटर सीजन में मेरी स्किन बहुत ज्यादा वाली ड्राई हो जाती है और मेरी स्किन जब ड्राई हो जाती है तो फ्लैकी बहुत ज्यादा ड्राई डैमेज हो जाती है। विंटर के स्टार्टिंग में ही मैंने इस फेशियल ऑयल को परचेज किया और मैंने कहा कि चलो इसको ट्राई देते हैं, इस विंटर सीजन में देखते हैं कि मेरी स्किन के लिए वर्क करता है कि नहीं। मैंने चैलेंज लिया, मैंने कहा चैलेंज लेते हैं 15 डेज का, देखते हैं वर्क करता है या नहीं करता है। जब मैंने इस ऑयल को फर्स्ट डे यूज किया तो मेरी स्किन बहुत ज्यादा नॉरिश लग रही थी, सॉफ्ट लग रही थी। सेकेंड डे जब मैंने इसको यूज किया तो मेरी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग लग रही थी। थर्ड डे मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी जो अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम है उसको भी ये ट्रीट कर रहा है। तो 15 डेज तक मैंने इस फेशियल ऑयल को यूज किया होनेस्टी के साथ और इस फेशियल ऑयल का रिजल्ट मुझे जो 15 डेज के बाद मिला मैं खुद सरप्राइज हो गई। मतलब मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला इस फेशियल ऑयल से, मेरी ड्राई डैमेज स्किन की प्रॉब्लम खत्म हो गई। इस सी बकथर्न फेशियल ऑयल को यूज करने के बाद मेरी स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी ग्लोइंग सॉफ्ट लग रही थी और मेरी अनइवन स्किन टोन की भी प्रॉब्लम काफी हद तक रिड्यूस हुई है। ड्राई डैमेज स्किन के लिए ये ऑयल रियली बहुत ही बेस्ट वर्क करता है। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये ऑयल इतना अच्छा वर्क करेगा मेरी स्किन पर। मुझे इस फेशियल ऑयल को यूज करते हुए 1 month हो गए हैं और मुश्किल से 1 drop या 1.5 drop बचा है और ये खत्म होने वाला है। मैं सेकेंड टाइम इस फेशियल ऑयल को जरूर परचेज करूंगी, मुझे इतना ज्यादा ये ऑयल पसंद आया है। अब इस पर हम बताते हैं क्लेम क्या किया गया है कि आपके ड्राई स्किन को हाइड्रेट करता है, रीस्टोर करता है इलास्टिसिटी
को न्यूट्रलाइज करता है फ्री रेडिकल्स को, ये इनके तीनों क्लेम वर्क करते हैं। मैंने अनइवन स्किन टोन के लिए बहुत सारे सीरम, बहुत सारी क्रीम यूज की है, बट क्रीम से ज्यादा फास्टर रिजल्ट मुझे फेशियल ऑयल का मिला है। मैंने विटामिन सी पर भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। कोई भी क्रीम, कोई भी प्रोडक्ट मिरेकल की तरह हमारे स्किन में वर्क नहीं करता है, उसके लिए हमें कम से कम 10 दिन 15 दिन यूज करना पड़ता है, एटलीस्ट एक हफ्ता तो यूज कीजिए। डिपेंड करता है कि हमारी स्किन कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर रही है, और डिपेंड करता है कि आपकी स्किन की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, स्किन के प्रॉब्लम के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। कोई भी क्रीम, कोई भी सीरम, कोई भी फेशियल ऑयल किस तरह आप यूज कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। सेकेंड बात, आप किस टाइम यूज कर रहे हैं उसको आप सही से यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक दो दिन यूज करने के बाद अगर आपने स्टॉप कर दिया तो फिर वो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है, क्योंकि बहुत कुछ ट्राई करने के बाद बहुत कम रिजल्ट मिलता है, कई बार तो रिजल्ट मिलता ही नहीं है। अनइवन स्किन टोन के लिए मुझे ये फेशियल ऑयल बेस्ट लगा। डिपेंड करता है कि आपकी स्किन टाइप किस तरह की है, आपको ये सूट करता है कि नहीं फेशियल ऑयल। ऐसे तो ये फेशियल ऑयल सभी स्किन टाइप को सूट करता है, सभी स्किन के लिए है, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन। मैं इस फेशियल ऑयल को यूज करने का सही टाइम मेरा क्या है मैं वो शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। मैं इस फेशियल ऑयल को नाइट में यूज करती हूँ, सोने से एक घंटा पहले। अगर आप सोने के टाइम अप्लाई करेंगे तो सारा आपका फेशियल ऑयल पिल्लो के साथ रब होकर निकल जाएगा, तो आप एक से दो घंटा पहले अप्लाई कर लें ताकि आपका पिल्लो के साथ रब होकर फेशियल ऑयल निकले ना। अगर आप इस फेशियल ऑयल को नाइट टाइम में अप्लाई करके सोते हैं और मॉर्निंग में उठेंगे तो आप हेल्दी एंड ब्यूटीफुल स्किन मिलेगी, बहुत आपकी स्किन ग्लोइंग लगेगी, हेल्दी लगेगी, बहुत नॉरिश लगती है। अगर आपको अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा आपकी स्किन टैन हो चुकी है तो आप ओनली फेशियल ऑयल यूज मत कीजिए, आप स्क्रब भी कीजिए, फेस पैक यूज कीजिए, अच्छा फेस वॉश चूज कीजिए अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। तो मैंने फेस पैक पर और फेस स्क्रब पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर आपने इस फेशियल ऑयल को यूज किया है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस फेशियल ऑयल के साथ प्लीज कमेंट डाउन। इस फेशियल ऑयल की फ्रेग्रेंस मुझे बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगती है कमेंट डाउन। अगर आप इस फेशियल ऑयल को बाय करना चाहते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इस फेशियल ऑयल के साथ अमेजिंग रहा, मुझे ये फेशियल ऑयल बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अगर मैं इस फेशियल ऑयल के बारे में कुछ बताना भूल गई हूँ या कुछ मिस हो गया हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।